फॉर मेकिंग स्मॉलेस्ट पेपर बोट। इसकी जो कॉस्ट है इसकी है 8,20,000 रुपए। 1,51,000 का है, टेबल अलग से है 26,000 रुपए की। कौन सी कम्युनिटी बताई थी आपने? गुंड। गुंड। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं हूं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव करके एक इवेंट चल रहा है, जो कि सिमिलर है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की तरह, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको उसी तरीके से स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं, उम्मीद ऐसी लगा रहा हूँ मैं। बाकी आज की इस पूरी वीडियो में मैं पूरा इस आत्मनिर्भर उत्सव महोत्सव को एक्सप्लोर करूंगा और इससे जुड़ी तमाम आपको सारी जानकारी दूंगा। एक चीज़ और भी है कि दिल्ली NCR में होने वाले जितने भी इवेंट हैं वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे होते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। उनकी जो मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, वो मास लेवल पे नहीं हो पाती, जिससे कि काफ़ी लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो भैया, अगर आप इस तरीके के जो इवेंट वगैरह या फिर इस तरीके के जो फेयर कार्निवल जो चल रहे होते हैं अगर देखने के इच्छुक हैं या पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस समय मैं हूँ जो गेट नंबर 10 पे, और यहाँ पे देखो भाई, बहुत बड़ी एक बैनर यहाँ पे रखा हुआ है गेट नंबर 10 के पास ही, और इस पर काफ़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव है, हॉल नंबर 1 से 6 में ये चल रहा है। एंट्री कम्प्लीटली फ्री है, 3 से 10 जनवरी तक चलने वाला है, और ये जो पूरा उत्सव मनाया जा रहा है इसके कुछ हाइलाइट्स ये इस तरीके से हैं, ये आप देख सकते हो। बात करें कि भैया कैसे आप आ सकते हो, कन्वीनियंट वे क्या रहने वाला है, तो देखो भैया मेट्रो स्टेशन ये जा रही है ऊपर से, ठीक है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो लगता है, और उतर करके आपको आना है, गेट नंबर 10 से एंट्री करनी है। साथ ही साथ आप जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलेंगे ना, तो फ्री शटल सर्विस भी लगी हुई है अंदर के लिए, आप शटल से भी जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। और चलते हैं भाई, एंट्री करते हैं और अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है चीज़ें। तो भाई, जैसा कि मैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, कि ये जितने भी इवेंट होता है ना, गवर्नमेंट के भी हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं, तो उनकी जो एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है ना, उतने मास लेवल पे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कई बार क्या है कि जो एक्चुअली विजिटर को आना चाहिए वो उस वॉल्यूम में विजिटर आ नहीं पाते। अभी आप देखो ये मेरे पीछे, जबकि ट्रेड फेयर पर ना यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। और ये देखो, गवर्नमेंट ने खर्चा तो पूरा ही कर रखा है, आप देखो जहाँ तहाँ यहाँ पर बैनर वगैरह इसके लगे हुए हैं आत्मनिर्भर भारत उत्सव के, मगर यहाँ पे अभी कुछ मेरे को पब्लिक देखने को नहीं मिल रही है। आई होप के अंदर हॉल वगैरह में शायद थोड़ा बहुत क्राउड देखने को मिले, मगर ट्रेड फेयर वाला तो क्राउड यहाँ पे नहीं है। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके के इवेंट करने वाले या जो भी चीज़ें घूमने फिरने की जगहों के बारे में आपको टाइमली जो है जानकारी मिलती रहे। तो गाइस, ये आ गए हम हॉल नंबर 1, और ये कुछ इस तरीके से है, चलते अंदर एक बार देखते हैं। बिल्कुल रेड कारपेट बिछाया हुआ अच्छे से। तो गाइस, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ऑलमोस्ट वैसा ही यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये है, और ऑलमोस्ट सब पे यही लगा हुआ है, सबके ये स्टॉल है, कपड़े वपड़ों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। और थोड़ा सा घूमता हूँ, अभी हम स्टॉल्स पे भी आगे बात करेंगे कि किस प्राइसिंग में और किस रेट में मिल रहा है मतलब, तो पहले एक बार थोड़ा सा घूम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रास वगैरह के भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और ये कुछ आई थिंक स्टेट का या कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, तो ये पूरा इन्होंने एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई हुई है। ये एक सेल्फी पॉइंट बना दिया आत्मनिर्भर भारत उत्सव। भाई, अभी टेक्नोलॉजी से हम बाहर आ गए हैं, और अब आप ये देख रहे हो जिस तरीके से, तो यहाँ पे वुलन का है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, फिर यहाँ पे कुछ वुड क्राफ्ट वगैरह भी रखा है, यहाँ कुछ शो पीस वगैरह भी हैं। तो शो पीस में देखो भाई, इतने अच्छे अच्छे शो पीस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो भाई शो पीस देखो, यहाँ पे एक से एक शो पीस आपको देखने को मिलेगा। ये देखो कृष्ण जी वाला, ये देखो गोपियों के साथ हैं, रासलीला कर रहे हैं, और ये फिर पीछे हाथी वाले, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये देखो। और एक बड़ी सी है ना ये सितार है, और ये बस्ती है ना, ये बस्ती है, बस्ती है मिले होती है। तो ये देखो भाई सितार रखी हुई है, बज रही है, ये देखो।
जैसे कि मैं ना अभी आपको ये स्टॉल दिखा रहा था, तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से है ना सो पीस रखे हुए हैं, जैसे कि मैं देखो अभी दिखा रहा था। और ये देखो भाई फिनिशिंग इतनी बेहतरीन है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। और काफ़ी कुछ है इनके पास, मल्टीपल ऑप्शंस हैं होम डेकोरेशन के ना। और जिसको ये सितार भी बजानी आती है, मैंने सर से पूछा मैं सर बजती है, तो सर ने बोला बजानी आती है तो अभी बैठो बजाओ। तो सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज कल्याण सुंदरन। अच्छा, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके, ये कंपनी आंध्र प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके आंध्र प्रदेश सरकार की कंपनी है। ओके, हम जो क्राफ्टमैन आंध्र प्रदेश बेस्ड हैं उनकी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। ओके, हम उनसे सामान खरीद करके, अच्छा, हमारे 17 शोरूम है ऑल ओवर द कंट्री। ओके, उनकी तरह इसकी मार्केटिंग। तो सर दिल्ली में भी कोई आपका शोरूम है? दिल्ली में हमारा शोरूम है बाबा करणी मार्ग में हनुमान मंदिर के सामने। अच्छा, स्टेट एम्पोरिया कॉम्प्लेक्स के एरिया में। अच्छा, हमारे शोरूम दिल्ली में भी। तो सेम नाम से ही मिलेगा वो भी? लिपाक्षी ब्रांड नेम है, लिपाक्षी के नाम से ही सारा। अच्छा, तो भैया ये तो हो गया, अगर किसी को यहाँ से कुछ भी पसंद आ रहा है ना, और अगर आप इस मौके से चूक रहे हो तो दिल्ली में सर ने बता दिया, दिल्ली में भी एक स्टोर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप होम डेकोरेशन के बहुत अच्छे अच्छे इनके पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो आप जाकर के ले सकते हैं बहुत अच्छे। और जैसे कि मैं एक ये देख रहा हूँ, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं सर, वॉल हैंगिंग, इसको ट्री ऑफ लाइफ कलमकारी हैंड ब्लॉक प्रिंटेड वॉल हैंगिंग बोलते हैं। अच्छा, तो 4x6 साइज का है। इधर ही आ जाओ सर, लगभग जो है ये 60,000 रुपये का है। 60,000 का है, होम डेकोर में काम आता है वॉल हैंगिंग की तरह। अच्छा, और अच्छा सा फ्रेम करके लाइट करके लगाएंगे तो घर का शान बढ़ जाएगा। अच्छा, तो इसका प्राइस आपने कितना बताया? 60,000? 60,000 है। तो भाई देख लो और बहुत अच्छा लगेगा घर के अंदर। जो शौकीन लोग हैं आर्ट के, हैंडीक्राफ्ट में, अच्छा, ये नीम वुड में बनाया हुआ कल्याण बालाजी, अच्छा, तिरुपति में बालाजी मंदिर है। हाँ हाँ, मंदिर का सेम मूर्ति। अच्छा, प्रतिमा ये है टीक वुड में। अच्छा, नीम वुड में। अच्छा, इसके अलावा इसकी और भी छोटे बड़े साइज हैं। तो सर प्राइसिंग में भी फर्क होगा दोनों का? छोटा जो है 14 इंच का है। अच्छा, ये लगभग 11,000 का है। ये बड़ा आदित्य आर्च है, ये 27,000 का है। और ये वाला? ये वाला टीक वुड में है, ये है 72,000 का। ओ, तो भैया हाँ नहीं, सुंदर तो बहुत ज़्यादा है भैया। जिसको भी मतलब आर्ट से प्यार है तो वो भैया उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा था सर के काउंटर के अंदर जा रहा हूँ, तो ये एक दशावतार है, तो वुडन हैंडीक्राफ्ट है ये भी। अच्छा, पेंटेड है, मल्टी कलर्ड है। अच्छा, फेमस ये वाला है कूर्मा नरसिम्हा वामन उसी तरह लाइन में। अच्छा, उसी सीक्वेंस में पूरा ये बनाया हुआ है। 10 छोटे छोटे लकड़ी में बने हुए हैं। अच्छा, गिफ्ट प्रेजेंटेशन ये बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, लगभग 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में। तो सर इसमें कल की अवतार कौन से वाले हैं? सबसे लास्ट में वो अभी आने वाला है। हाँ जी, क्लोजअप में। अच्छा, ये तो भाई ये देखो, ये कल की अवतार है। और यहाँ जो मछली के रूप से स्टार्ट होता है, फिर कछुआ हुए थे, फिर जो है ये नरसिम्हा वामन। हाँ, तो भाई मेरे को भी नहीं पता, सर बता रहे हैं कि ये नाम है। अच्छा, एक और क्या है कि देखो ये और कुछ आपको आर्ट और ये इस तरीके के लैंप मिलेंगे, इसको क्या बोलते हैं सर? लेदर लैंप शेड है। अच्छा, गोट लेदर से बनता है। अच्छा, लेदर को प्रोसेस करके, अच्छा, ड्राइंग बना करके, अच्छा, इसके अंदर आप लाइट डाल देंगे, वो एक लाइट हो या येलो लाइट हो, बहुत बढ़िया रात को घर में डेकोरेशन में काम आएगा। अच्छा, हमारे पास जल रहा है। अच्छा, तो भाई ये इधर जल रहा है लैंप ना, थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाएगा कि ये आपके घर में कैसा लगेगा जलने के बाद। तो ये कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। तो सर कुल मिला के बात करी जाए, जैसे कि मतलब आपने दिल्ली के स्टोर के बारे में बता दिया, बट अगर कोई और भी कोई पर्सनली कोई आपसे ज़्यादा डिटेल लेना चाह रहा है तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप शेयर करना चाहेंगे? दिल्ली में मेरा नंबर है 7840801830। ओके, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के नंबर गूगल पे दीपाक्षी करके सर्च करने पे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, तो भाई अभी मैंने ना आंध्र प्रदेश का एक स्टॉल कवर किया था जिसमें आपको कुछ सो पीस वगैरह और कुछ मतलब सो पीस और कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम वगैरह भी मैंने दिखाए थे। तो अभी मैं आ रखा हूँ, ये बिहार का है काउंटर, तो भाई बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप कम्प्लीटली देखोगे ना, देखो भाई वहाँ से देखो और यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको क्या है कि काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटिंग्स मिल जाएंगी, पेंटिंग्स जो कि बिहार की बहुत ज़्यादा फेमस है, मधुबनी आर्ट इसको बोला जाता है, और बहुत बारीकी से इस पर काम किया जाता है। ये देखो, ठीक है,
काफ़ी सारी ऑप्शंस और काफ़ी साइजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ पूछना है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो भाई से हमने पूछा था तो भाई ने बताया था कि 150 से वो स्टार्ट है, 150 से स्टार्ट है भाई। और मैक्सिमम कितना जाते हैं? लाखों में चला जाएगा। अभी अभी आपके स्टॉल में जो है सबसे कॉस्टली आइटम क्या है? 2-2.5 लाख रुपये तक का है, ठीक है। बाकी भाई वो बता रहे थे, वो पीछे वो जो आप देख रहे हो ना पान की शेप में, वो 35,000 की है। वो 35,000 की है भाई। कोई मतलब ऑनलाइन अगर किसी को कुछ प्लेस करना है, कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह करते हो डील ऑनलाइन? ऑनलाइन व्हाट्सएप पे हम लोग फोटोज भेजते हैं। अच्छा, तो वो तो और अच्छा है ना कि ऑप्शंस मिलेंगे बंदे को। तो कुछ है नंबर वगैरह कोई शेयर करना चाहोगे? मेरा नंबर है 9 8 फोन नंबर है 9 8 1 8 6 5 1 4 6 4। आपका नाम? भास्कर कुमार झा। तो भैया ये भास्कर जी हैं, अगर किसी को भी है ना मधुबनी आर्ट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, साइज़ वगैरह आप बता दें। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइज़ काफ़ी अलग अलग है, आपको जिस साइज़ में चाहिए ना साइज़ वगैरह भी ये आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या साइज़ इनके पास अवेलेबल है। और कुछ अगर आपको सैंपल्स चाहिए होंगे तो ये व्हाट्सअप पे, जैसे इन्होंने बताया बहुत अच्छा था कि व्हाट्सअप करके भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है भाई। थैंक यू। एक और काउंटर पे आया हूँ और वास्तव में हैंडीक्राफ्ट के है ना यहाँ पे, मेरे को लगता है कि ट्रेड फेयर से ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आप ये देख के चलो कि ये देखो भाई, चकला विलन है, इसके ऊपर पूरा हैंडीक्राफ्ट से पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है और बहुत बारीकी से किया हुआ काम यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और 100 पीस हैं सारी चीज़ें ना, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सारी हैं। ये देखो, ये आपको सेंट्रल टेबल मिल जाएगा, ये देखो इतना बारीकी से काम किया हुआ है ना, और ये पूरा इस तरीके से है। अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें इनके पास रखी हुई हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, चेस रखी हुई है, ये पूरा एक सेट है हाथी का, ठीक है ना। और इस तरीके से ये दही बेलने वाली ये रखी हुई है, ये तो चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये भी देखो भाई, ये इस तरीके से है, कुछ हैंग करने की है इस तरीके से, दीवार पे हैंग कर दो, काफ़ी अच्छा सुंदर देखने को लगेगा। ये ट्रे हो गई, काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब हैंडीक्राफ्ट का भाई मज़ा है यहाँ पे, मज़ा है। ये देखो, ये एक हाथी है, और ये देखो ये इस तरीके से कितना सुंदर लगेगा। और एक वो रखा हुआ है बस, क्योंकि देखो हाथ से बनी हुई चीज़ है तो यार महंगी होती है हाथ से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि बहुत बारीकी से काम करना होता है। करना भैया बनाना, इसको कैसे बनाओगे आप? ये देखो, ये भाई है ना, करके देखें तो भाई, ये देखो ये है ना, एक लाइव थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा ये काम होता है और कैसे बनता है। और ये इस तरीके की प्लास्टिक के साइज़ अलग अलग होते हैं ना डिज़ाइन में, ये देखो ये इस तरीके से ना कट में कटे हुए हैं, दिखा ना ज़रा। तो ये देखो अलग अलग डिज़ाइन में ना ये कटे हुए हैं, इसको बेचारे को पहले ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या फिट करना है। और ये इस तरीके से ये इसने यहाँ डाल दिया है, और इसको एक मिल गया है, और ये अब इसको फिट करेगा। ये देखो पत्ते की शेप है, तो इसको ऐसा लगा रहे हैं, तो अभी इसने दो बार हथौड़ा मारा, हथौड़ा लगाने के बाद है ना, अब इसने शेप आ गई, उस पत्थर की शेप इस पे आ गई है। अभी उतना छील देगा, छीलने के बाद फिर उस प्लास्टिक के दाने को इस पे फंसाएगा। तो भाई बहुत बारीकी वाला काम है और मेहनत का काम है भाई कर रहा है। तो मैं आपको है ना कुछ कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये देखो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि मैं आपको प्राइस रेंज भी बता दूँ, तो सबसे कम जो यहाँ पे चीज़ है ना, सस्ती चीज़ है, तो भाई यहाँ पे जो सबसे सस्ती चीज़ है वो ये है, वॉल हैंगिंग है 350 रुपये की। और जो सबसे महंगी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना भाई साहब, ये देखो ये हाथी है, और इसकी कीमत देखोगे पता है कितना है? ये देखो 1,51,000 का है, टेबल अलग से है 26,000 रुपये की। ये देखो, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 2 लाख रुपये का सामान हो गया ये। तो भाई देखो, ये सारे प्रोडक्ट वगैरह मैं कैप्चर कर रहा हूँ, जिसको जो भी पसंद आ रहा है ना तो भाई ले सकता है, और लेगा किस तरीके से तो भाई ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, ठीक है ना। और पूरा जो है ये इस तरीके है, सोसाइटी का नाम है वुड हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियन वेलफेयर सोसाइटी करके, और इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, सैंपल भी देखने के लिए मंगवा सकते हैं।
उन्हें को क्या है कि यहाँ पे कपड़े उपड़ों के तो बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ है ना होम डेकोर के भी, मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छे लग रहे हैं ना होम डेकोर के और शो पीस वगैरह और इस टाइप के ना स्टॉल्स बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। जैसे ये देखो सामने आपको दिख रहे हैं, ये पंचमुखी होगी, फिर एक कृष्ण जी की होगी, फिर नटराज वाली पूरी मूर्ति होगी, तो बहुत अच्छे अच्छे शो पीस हैं यहाँ पे इनके पास। ये देखो ये पूजा घर में जैसे रखते हैं ना कछुआ वगैरह रखते हैं या इस तरीके से, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ना कांसे के या पीतल के हैं, शायद पीतल वर्क हैं ये सारे। और अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटिंग्स वगैरह है, होम डेकोर का ऑप्शन अंदर वो रखा हुआ, पूरा ट्री वगैरह रखा हुआ है, और इस तरीके से बैल वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई सुंदर सुंदर घंटियाँ हैं। और घर में अगर मंदिर के आसपास लगाना है कुछ है, भगवान की प्रतिमा तो बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर है। ये देखो भाई, और सबसे भाई बढ़िया देखो ये है, अंदर एक वो ट्री रखा हुआ है, बट वृक्ष टाइप में कुछ बना रखा है उन्होंने। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बुद्ध भगवान के पीछे लगाया हुआ है। एक मिनट भाई जरा, ये देखो। तो भाई देखो एक एक चीज़ का तो रेट ले पाना वो पॉसिबल हो नहीं पाता ना दुकानों पे, मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो भाई से हमने बात करी है तो इन्होंने बताया कि जो छोटी मूर्तियां हैं ना वो 1000 रुपये से स्टार्ट हैं। छोटी मूर्तियां मैं बात करता हूँ, जैसे वो वहाँ पे आगे रखी हुई हैं, वो छोटी मूर्तियाँ 1000 रुपये से स्टार्ट है। और सबसे जो कॉस्टली आइटम है ये नहीं है, सबसे जो कॉस्टली आइटम है वो जो मैं आपको बता रहा था ये, और ये बुद्ध भगवान के साथ ये पूरा पेड़ है। कितने का बताया भाई पैसा इसका? 90,000 रुपये की है। तो भाई ये भी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका भी रेट पूछ लिया, 60,000 रुपये का बता रहे हैं। बाकी अगर किसी को कांटेक्ट करना है इनसे तो भाई इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो भाई आ गए हम हॉल नंबर 2 में और इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई जैसे हॉल नंबर 2 के अंदर हम घुसते हैं ना तो अर्बन स्क्वायर करके इन्होंने एक पूरा पवेलियन बनाया हुआ है। तो अर्बन स्क्वायर क्या है कि बेसिकली क्या है, हर स्टेट के जो छोटे गांव देहात एरिया है वहाँ के जो एनजीओज वगैरह हैं उनको यहाँ पे स्पेस दिया गया है। और जितने भी एनजीओज वगैरह जैसे आया, बंती, समाया, तो ये सब एनजीओज वगैरह वहाँ पे एक्टिव हैं और इनके नाम से यहाँ पे ये पूरा इनको स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं देखता हूँ तो ये 1 और 2 ये अरुणाचल प्रदेश का है स्टॉल और मैम है हमारे साथ। तो क्या कुछ मैडम क्या क्या है आपके पास? हमारे पास हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो सीजनली फ्रूट से आता फ्रूट से बनना वाला टिकल से, देन वाइन है जूस ना मिलेट का, रागी जो फिंगर मिलेट से उसका है, देन इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल अल्कोहल नहीं है। अच्छा। नेचुरली जो ऑर्गेनिक से जो है ओनली 9% का अल्कोहल। अच्छा। ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, जैसे आपका डायबिटीज पेशेंट भी पी सकते हैं, लो प्रेशर वाले भी पी सकते हैं, स्पेशली इन वोमेंस ना लेडीज में आपको 30 फ्लास के बाद जॉइंट पेन रहते हैं, कैल्शियम का डिफिशियंसी होते हैं, इसको भी बिल्कुल बिल्कुल। भाई इनके पास थोड़ा सा है ना नॉर्थ ईस्ट वाली स्पेशल चीज़ें कुछ मैंने नोटिस की थी, मैडम से मैंने पहले ही बात कर ली थी। तो जैसे कि ये देखो भाई स्मोक पॉर्क करके ये है, ये पिकल है, ठीक है जी, ये पिकल है। और एक और पिकल मैंने यहाँ पे देखा था, तो ये देखो ये चिकन पिकल है। इसका क्या प्राइस है मैडम? 60 रुपीज़ है। और क्वान्टिटी क्या है, कितने ग्राम्स है? 50 ग्राम्स है। तो इस तरीके से है भाई, ये ऑल ओवर दिल्ली NCR में तो नहीं मिलेगा कम्प्लीटली, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ ये, और ये स्मोक पॉर्क नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और कुछ और इनके जो लोकल इनके स्टेट का जो फेमस चीज़ें हैं ये क्या है? कार्डमम है। अच्छा कार्डमम में। अच्छा, और ये क्या है, शो पीस वगैरह के लिए है क्या? ये चाकू है, स्मॉल नाइफ है। हाँ, छोटी कुकरी ने कुकरी बोलते हैं ना वहाँ पे भी। अच्छा, कुकरी बोलते हैं। तो इस तरीके से, और पीछे इनके पास क्या है कि देखो ये इस तरीके से इनके पास जो ट्रेडिशनली है इनके जो क्लोथ्स वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, वो पीछे भी रखी हुई है। और मतलब हर साइज़ के, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, सबके लिए। और इजी टू क्या है कि अगर आपको प्राइसिंग वगैरह भी देखनी है तो ये देखो ये पूरा इस तरीके से है 5000 रुपये में। मैडम ये क्या पूरा सेट है क्या है? सिर्फ अपर? अच्छा, ये अपर सिर्फ 5000 का है? नहीं, ये भी दोनों अलग है ना। अच्छा,
तो भाई ये सिर्फ अपर जो है आपको 5000 का मिलेगा, ये लोअर है जो 250 को रोल करके, जैसे कि देखो इन्होंने पहना हुआ है। एक बार मैडम जैकेट थोड़ा सा आउट जैकेट निकालेंगे, ये देखो भाई जो ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसको इसको कैसे वियर करना है, ये देखो कुछ इस तरीके से इन्होंने पहना हुआ है, ऊपर से ऐसे और नीचे से साड़ी की तरह रोल करके। तो ये कम्प्लीटली ये देखो ट्रेडिशनल जो अरुणाचल प्रदेश की ड्रेस है वो इस तरीके से। इस माला को क्या बोलते हैं? माला ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है। और एक उधर भी कुछ एक और है, दो स्टॉल हैं इनके, तो यहाँ पे भी कुछ इनके पास है। यहाँ पे कुछ ईयर रिंग्स वगैरह हैं और लोकल जो है इनके वहाँ का, ये क्या ये बीटरूट? अच्छा अरबी है। अच्छा तो ये कुछ इस तरीके से चिकन पिकल है, बैम्बू शूट। तो बैम्बू शूट में दिखाना भूल गया। देखो इनके पास है ना एक ये है, और जो भैया इसको जो इसको सोच रहे हैं ना कि नॉनवेज वगैरह है या पोर्क है चिकन है, तो भैया ये बैम्बू शूट होता है। और मैडम दिखाना उसमें देखना किस तरीके से इसको प्रिजर्व करके बनाया जाता है। ये बेसिकली क्या है, पिकल है क्या है? हाँ, पिकल नहीं है, उसको खुद बनाना होता है। खुद बनाना होता है, बस इसमें जो है स्वाद अनुसार जो है नमक मिर्च वगैरह डाल के। तो ये कुछ इस तरीके से डिश पूरी है बन करके तैयार होती है। ये भी इन्होंने साइंटिफिकली लेबोरेटरी प्रूव किया। अच्छा तो भाई देखो इसको खाने से कोई दिक्कत नहीं होती और अच्छे से ये प्रिजर्व करके इन्होंने रख रखा है। इसका क्या प्राइस है और क्या क्वांटिटी है? ये तो हाफ किलो है। अच्छा हाफ किलो से ज़्यादा है। अच्छा 200 है। तो भाई ये देखो इतना सस्ता है, वेजिटेरियन चीज़ है बैम्बू शूट, अगर किसी को नहीं पता। मसाले के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा मसाले के तौर पे इसका यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ना एक और बहुत अच्छा सा मेरे को एक स्टॉल मेरे को देखने को मिला, जो कम्प्लीटली जितने भी वेस्ट मटेरियल है ना उसको भाई साहब एक तरीके से रिसाइकिल करके है ना, ये आप देख रहे हो पूरा डेकोरेटिव आइटम्स इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो कितने अच्छे से ये बोतल को पूरा काट के फूल वूल बना करके इस तरीके से बनाया हुआ है, और इसमें मनी प्लांट भी उगाया हुआ है इस तरीके से आप देख ही रहे हो। तो काफ़ी कुछ मतलब क्रिएटिव इन्होंने किया हुआ है। तो भाई ये देखो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ना, तो कम्प्लीटली यहाँ पे वेस्ट को रीयूज़ किया गया है एक तरीके से। अच्छा मैडम मैं बात करूँ तो कितने रुपए से स्टार्ट है आपके पास चीज़ें, कम से कम पैसे की चीज़ कितने की है? 2000 से है भाई। देखो मैडम से है ना, मैडम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई थी तो ज़्यादा प्राइस निकल गए। तो हाँ ये देखो भाई 50 रुपीज़ में ये देखो बॉटल का किस तरीके से रीयूज़ करके फ्लावर बनाया हुआ है, अच्छा सा शोपीस बना रखा है इन्होंने। 20 रुपीज़ का ये पेन स्टैंड बनाया हुआ है, और जो मैक्सिमम प्राइस इनका जाता है ये कितने का बताया मैडम? ये 400 का फ्लावर पॉट है, एक तरीके से गमला बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर रखा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है मैडम थैंक यू। तो भाई अभी मैं हॉल नंबर 2 में ही हूँ, और हॉल नंबर 2 से ही कनेक्टिंग है मतलब 3, 4, 5 के भी, जैसे कि आप वहाँ पे ऊपर देख पा रहे होगे। तो अभी यहाँ पे क्या है ना कि आपको यहाँ पे ये अर्बन जो स्क्वायर करके एक पूरा पवेलियन बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है कि आपको सारे मिक्स प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे फूड सेक्शन भी मिल जाएगा, जो पैकेजिंग वाले फूड हैं वो मिल जाएगा आपको, डेकोरेशन का आइटम मिल जाएगा आपको, हैंडलूम मिल जाएगा, क्लॉथ्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना, और आपको कॉस्मेटिक आइटम मिल जाएंगे, इस तरीके से पर्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो भाई मिक्स है और चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे, जैसे कि शो पीस वगैरह की भी मैं बात करूँ तो ये देखो चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनके पास, और बहुत अच्छा मतलब अगर मैं ट्रेड फेयर से कंपेयर करूँ ना, तो भाई ट्रेड फेयर में भीड़ ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही होती हैं, बट यहाँ पे क्या है कि चीज़ें रिपीटेड नहीं है और हर काउंटर पे आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देखो इनके पास कम्प्लीटली होम डेकोर के ही हैं, और सो पीस टाइप आइटम है ये देखो। फिर यहाँ पे फाउंटेन वगैरह के हैं, मिट्टी का काम जो रखा है सारे इस तरीके से, ये रहा मोटू पतलू नहीं है, तो मिट्टी के बर्तन वर्तन भी मिल रखे हैं। तो भाई अच्छा है, इधर ये आपको चमड़े की चप्पल उपले चाहिए तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो भाई वो सामने मैंने हॉल नंबर 2 में है ना आपको अर्बन स्क्वायर में जितने भी जो छोटे गांव देहातों से लगे हुए एनजीओज हैं और जो एक्टिव हैं और उनके स्टॉल्स वगैरह मैंने दिखाए थे। अब ये वाला सेक्शन जो है
हॉल नंबर 2H करके है इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ट्राइब इंडिया करके बोल रखा है इस पूरे एरिया को। और यहाँ जितने भी स्टॉल्स आप देखोगे ना, तो हर स्टॉल्स के ऊपर है ना ट्राइब इंडिया करके है। और स्टेट वाइज यहाँ पे भी जितने भी ट्राइब्स या जितने भी जनजातियाँ जो एक्टिव हैं, जो NGOs एक्टिव हैं, उनके थ्रू जितनी भी चीज़ें, जितने प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनको पूरा डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे भी आपको हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट और जितने भी हैं आइटम इस तरीके के सारे देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये जूट के आइटम आपको देखने को मिल रहे हैं, हैंडक्राफ्ट है। और फिर इधर कपड़े हो गए, वो ट्रेडिशनल साड़ियाँ हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये देखो जी, ये देखो भाई, जैसे ये चीनी मिट्टी के यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं ना, ये सारी चीज़ें। और ये आर्ट पोट्री करके, ये जयपुर के हैं, मीणा कम्युनिटी। और ये देखो ये वॉल हैंगिंग शो पीस वगैरह यहाँ पे भी है। ये रहे, तो भाई ये आ गए हम हॉल नंबर 3 में। और यहाँ पे देखो भाई कितनी बड़ी हांडी, और रियल की है, मिट्टी की बनाई हुई है। और ये देखो, ये पूरा एक पोर्ट बनाया हुआ है। फिर इधर है, और इधर ये, और ये देखो भाई कितने सुंदर सुंदर है भाई। ट्रेड फेयर से नेक्स्ट लेवल का ये फेयर है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ तो इसमें क्या है कि कम्प्लीटली है ना, जितने भी हिंदुस्तान के मतलब राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत है, ताकि लोकल जो NGOs वगैरह हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनको यहाँ पे प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है। और बहुत अच्छे से भाई, बहुत अच्छे से बना रखा है। ये देखो, तो भाई हम थोड़ा सा लेट हो गए। और ये क्या है कि अभी बस ये परफॉर्म कर ही रहे थे। और ये क्या है, छत्तीसगढ़ के जो गॉड कम्युनिटी होती है ना, ये उससे बिलोंग करते हैं। और उनके जो 5 ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, वो ये यहाँ पे कर रहे थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए, अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा परफॉर्म करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो में आगे दिखा दूँगा, अदरवाइज़ ये अभी थोड़ा रेस्ट उसमें है। और कम्प्लीटली जो ट्राइब फॉर्म है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके वेशभूषा देख सकते हो। पीछे लेडीज़ हैं, आगे कम्प्लीट जेंट्स वगैरह हैं। तो होपफुली देखो, या अगर परफॉर्म करते हैं तो मज़ा तो आएगा भाई। इनसे बात करते हैं ना, ये अभी रेस्ट ले रहे हैं थोड़ा सा 5 मिनट का, क्योंकि अभी अभी जस्ट परफॉर्म करके हटे हैं। तो भाई से मैंने पूछा, तो भाई कौन सी कम्युनिटी बताई थी आपने? गोंड। गोंड जी, गोड या गोंड? गोंड। गोंड, गोंड कम्युनिटी है, और अनुसूचित जनजाति हैं, ट्राइब उससे हैं। तो अभी जो आप यहाँ पर डांस परफॉर्म कर रहे थे या अभी करोगे, उसको क्या बोलते हैं? ककसर। ककसर, ककसर। अच्छा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 अलग अलग तरीके के और डांस होते हैं जी। तो वो भी करोगे आप? वो तो अभी नहीं हो पाएगा। वो अभी नहीं हो पाएगा, क्यों? उसमें ज़्यादा लोग लग जाते हैं, सामान वगैरह सब अलग अलग रखता है उसका। अच्छा अच्छा, उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। ज़्यादा लोग चाहिए। अच्छा, तो बाकी के जो और जो डांस की फॉर्म है, कौन कौन सी होती हैं? अक्सर है, गेड़ी है। अच्छा, जंजीरा है। अच्छा, तो भाई ये देखो, अभी हमें अक्सर करके दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? दिलीप गोड़। दिलीप गोड़ है जी, ठीक है, थैंक यू भाई। जैसे कि मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ कि ट्रेड फेयर से बहुत अलग लेवल का जो है ये आत्मनिर्भर जो है पूरा ये इवेंट चल रहा है। और यहाँ पे है ना, मैं फर्स्ट टाइम में ट्रेड फेयर में भी मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं। ये देखो, कोई गैस कर पा रहा है क्या चीज़ है? ठीक है, ये देखो, अभी आप लोग है ना, मतलब वीडियो में देख करके जज नहीं कर पा रहे होगे, तो थोड़ा सा एक दो और आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अभी भी अगर क्लियरिटी नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ कि ये पत्थर है, और पत्थर से पूरा जो है इमेज तैयार किया गया है। सेम ये भी जो है पत्थर है, और ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, और यही नहीं, और ये देखो इतने अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे, ये जितनी भी इमेजेस बनाई हुई है ना फ्रेम के अंदर, ये सारे के सारे स्टोन से बनाई हुई है। और ये देखो, तो स्टॉल के जो ऑनर हैं, जो सर हैं, वो तो सर हैं जिनका स्टॉल है, तो सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए पहले तो। मैं देहरादून से आया हूँ, और यहाँ पर मैं दूसरी या तीसरी बार दिल्ली में ये मेरा स्टॉल लगा हुआ है। आपका नाम सर? अजीत कुमार प्रसाद। अच्छा, और हम लोग वहीं रिवर स्टोन से क्राफ्ट बनाते हैं। अच्छा, ये नदियों झरनों से पत्थर लाते हैं, फिर उस मतलब
स्टोन को लेके उस चीज को विजुअलाइज करते हैं कि इससे क्या बन सकता है। अच्छा, मतलब एक अपनी पहले आपकी इमेजिनेशन चलती है इसपे कि पत्थर को देख करके इसको किस फॉर्म में हम डाल सकते हैं, किस फॉर्म में डालना है। अच्छा, इससे मैंने तरह तरह की, मन आप समझ लो कि दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं तो क्या बनेगा उससे। सही बात है, तो उससे बनता है। तो सर ये जो आर्ट है, इस आर्ट को आपने क्या नाम दिया? पेबल क्राफ्ट है। पेबल क्राफ्ट, ये नदियों में जो छोटे पत्थर मिलते हैं उसको पेबल बोलते हैं, वैसे स्टोन क्राफ्ट भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका अपना है या आपने कहीं और देखा था? फिर आपने इसको, मेरी वाइफ है वो बचपन से करती है, तो फिर मैंने इसको थोड़ा कमर्शलाइज किया। अच्छा, और पहले ही मैंने एग्जीबिशन से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। अच्छा, तो सर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ ना, तो काफ़ी है, तो बहुत सुंदर और बहुत लाजवाब है। मतलब इतनी सारी, ये देखो भाई, मैं पास से दिखाता हूँ, ये देखो, ये कम्प्लीटली ये पत्थर से बनाई हुई इमेजेस हैं, ये देखो भाई साहब, ठीक है ना। और देखने में भी आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होंगी। तो सर एक चीज़ और छोटा सा क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग रेंज बताइए आप इसकी। 700 स्टार्टिंग रेंज, 700 रुपये से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम कितना जाता है ये? मैंने कोई प्राइसलेस है ये, जैसे होटलों जैसे कस्टमाइजेशन वगैरह हो गया तो 8-10,000-20,000, मैंने कोई भी साइज और उसका। हाँ, वो तो है, बट क्या होता है ना कि एक, लेकिन यहाँ पर जो अभी अवेलेबल है 700, 1200 और 2000 के। अच्छा, आर्ट वर्क है। तो 700 का कौन सा है? ये जो आप दिखा रहे थे ना, ये कोई भी साइज। अच्छा, ये साइज क्या है? 10x12 का साइज है, और ये 700 रुपये में आप दे रहे हैं। और जो 2000 का है वो है 14x20 का। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन वगैरह भी लेते हैं क्या ऑर्डर? ऑर्डर मैंने व्हाट्सअप, मेरा नंबर आप दे देना। अच्छा, उस पर सारा कम्युनिकेशन सब उसी पे। अच्छा, तो भैया इंस्टाग्राम का अकाउंट? ठीक। तो भाई ये देखो, इंस्टाग्राम पे सर को कर लो फॉलो, और वहाँ पे अच्छे अच्छे सर पोस्ट भी डालते रहते हैं अपने आर्ट से रिलेटेड। और किसी को कांटेक्ट वगैरह करना है डेकोरेशन वगैरह के लिए, अपने घर के लिए किसी को गिफ्ट करना है, तो भैया कांटेक्ट कर सकते हैं अजीत कुमार प्रसाद, और सर का कांटेक्ट नंबर ये आ रहा है। थैंक यू सर। स्टॉल पे कोई है नहीं, ठीक है ना। बाकी ये देखो कितना अच्छा 100 पीस है, और 1000 रुपीज़ में है, और सेम यहाँ पर ये देखो, देख रहे हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, ट्रेड फेयर से बहुत अलग लेवल का है ये। और ये देखो, ₹500 में मैं बहुत सस्ते में दे रहे हैं भाई। भाई ये जो उत्सव मनाया जा रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत उत्सव, तो भाई इसके अंदर ना बहुत अच्छी चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही हैं। ये मात्र ₹2000 में, सिर्फ ₹2000 में, तो बहुत सस्ता मिल रहा है भाई ये, 1000 रुपये में। और वुडन आर्ट है, प्योर लकड़ी का, कोई प्लास्टिक नहीं, ये सिर्फ 1000 रुपये में है भाई। ये देखो 800 रुपये में चिड़िया भाई। ये देखो यहाँ पे भाई हॉल नंबर 5, और भाई ये देखो भाई इतने सुंदर लैंप है ना, ये देखो शेप देखो, कलर देखो, डिज़ाइन देखो भाई, ये देखो यार, देखो कितने बड़े लैंप हैं यार भाई, इतने बड़े लैंप पहली बार देखे मैंने। ये देखो स्टैंडिंग लैंप और मस्त लाइटिंग में। तो भाई ये देखो बहुत बढ़िया स्टॉल आ गया, और ये देखो लैंप पे लैंप भाई साहब, इतनी कलरफुल लाइटें, और ये देखो इतना बड़ा लैंप यार, हट जाए, देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, इतना बड़ा लैंप है। इस लैंप का साइज़ क्या है भाई? 40 इंच। 40 इंच, फुट बोले तो 3.5 फीट का ना। तो भाई ये स्टॉल देख रहे हैं भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, तो भाई स्टार्टिंग जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें स्टार्टिंग रेंज कितने से है? स्टार्टिंग रेंज सर हमारे स्टार्टिंग है 100 से। 100 रुपये का आइटम क्या है दिखाओ एक बार जरा। 100 रुपये का आइटम ये आएगा, कैंडल स्टैंड। अच्छा, ये कैंडल स्टैंड है। अच्छा, 100 रुपये से स्टार्ट है। अच्छा, और मैक्सिमम भाई कितने तक जाएगा सर हमारा? ये वाला 6000 का। अच्छा, ये
ओ भाई साहब, पाँच पाँच है ये हैं। और कितने का बताया भाई ये? 6000 का सर। भाई 6000 रुपये में ये देखो भाई, बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ। और मतलब सबसे अच्छा जो मेरे को लग रहा है ना लैंप में, वो इतनी बारीकी से जो काम कर रखा है ना, डिज़ाइन निकाल रखे हैं वो देखो। तो यार, तो भाई से भैया हमने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले रहे हैं, और किसी को अगर कॉन्टैक्ट करना है तो ऑनलाइन भी ये डील करते हैं। तो भाई हमने इनका ले लिया कॉन्टैक्ट नंबर ना, अगर किसी को भाई कोई इनके साथ फ्रेंचाइजी वगैरह भी पकड़नी है, प्रोडक्ट उठा रहे हैं सेल के लिए, रीसेल के लिए, तो भी उठा सकते हैं। घर के लिए भी लेना है तो घर के लिए भी करते हैं ऑनलाइन, सारी डिटेल ये इस पर ले लेना भाई। एक और बहुत अच्छा सा और बहुत सुंदर सा स्टॉल हमारे को देखने को मिल गया, हरियाणा की हमारी ये बहन है, ठीक है जी। और जो ये कर रही है वो बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत अच्छे से कर रही है, सबसे बड़ी बात है। और काफ़ी कुछ बातें हुई वीडियो से पहले ही, तो अब ये मैं थोड़ा सा, आप अपना परिचय दीजिए भाई। मेरा नाम साक्षी गर्ग है और मैं भादगढ़ हरियाणा से हूँ। अच्छा। और मैं सांझी कला को प्रैक्टिस करती हूँ। सांझी कला पेपर कटिंग की कला है, कागज़ को सिजर्स से कट करके और इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण को दिखाया जाता है और नेचर को दिखाया जाता है। ओके। नेचर से इंस्पायर होके मैंने ये सारे डिज़ाइन बनाए। तो भाई देखो, ये एक बहुत छोटा सा सैंपल है मगर मेहनत बहुत लगी हुई है। इसके साथ साथ मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, इन्होंने काफ़ी सारे ये इस तरीके से पेपर कटिंग है ना, मतलब कटिंग नहीं है, मतलब ये स्किल होनी चाहिए जिस तरीके से इन्होंने। अब कोई देख रहा होगा तो इसके अंदर है ना, आपको बोट फ्लोट करती हुई दिखाई दे रही होंगी, और यही आर्ट है। ये देखो ये इतने प्यारे प्यारे तरीके से है, इस तरीके से बनाए हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी इन्होंने बताया था, कृष्ण जी की भी दिखा रखी है और नेचर को दिखाया हुआ है हमारे। तो ये तो A4 साइज़ का पेपर पे है और पीछे भी काफ़ी बड़े फ्रेम में है, और एक जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर काम किया हुआ है ये देखो, बहुत बारीकी वाला काम है। और तो भाई एक बार थोड़ा सा और डीपली थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, क्योंकि हमारे को तो नहीं पता है। सबसे पहले पेपर पे ड्राइंग होती है। अच्छा। और उसके बाद इसकी कटिंग होती है। अच्छा, तो सीजर से ही कटिंग करते हैं या और भी कोई टूल यूज करते हो आप? सिर्फ सीजर से कटिंग होती है। अच्छा, इतनी बारीकी कटिंग मतलब सीजर से? जी। तो भाई ये देखो, ये इतनी बारीकी कटिंग, ये देखो इस तरीके से इतनी फिनिशिंग के साथ ही सीजर चलानी है आपको, तब जाकर के ये पूरा आर्ट तैयार हो पाएगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि पूरा आपने आर्ट पूरा बना लिया है, बस उसको फाइन टच देना है, फाइनल टच देना है, और उस टाइम पे सीजर थोड़ा इधर उधर हो गया है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो वही वाली बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो भाई, इस तरीके से इसको मैं, जैसे एक छोटा सा आप ये पान की शेप का कुछ बना रहे हो, पीपल का पत्ता बन रहा है, तो इसको पूरे को बनाने में कितना टाइम लग जाएगा आपको? इसको बनाने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। ओ बाप रे बाप। इसका फाइनल ऐसा बनेगा। तो इस फाइनल जो मेहनत है आपकी, इसके क्या प्राइसिंग है? इसका प्राइस है 2500 रुपये। 2500 रुपये है। तो ये आप रो ऐसे ही दोगे या फ्रेम करके दोगे? जैसे कस्टमर चाहते हैं वैसे मिल जाता है। अगर अच्छा। उनको ये अपने तरीके से फ्रेम कराना है तो वो अपने तरीके से फ्रेम करा सकते हैं, ऐसे पेपर भी मिल जाएगा। अच्छा। उनको आर्ट वर्क। अच्छा। और अगर फ्रेम चाहिए तो फ्रेम भी प्रोवाइड। अच्छा, तो भैया देखो, एक थोड़ा सा और मैं एक आजकल दिखाता हूँ कि काफ़ी लड़के तो नहीं करते हैं, लड़कियों के बेडरूमों में कुछ कुछ ऐसा रहता है जिसमें नाम होता है और पीछे से लाइटिंग कुछ होती है। देखो इस तरीके से लाइटिंग आप कलरफुल भी लगवा सकते हैं, जैसे कस्टमाइज़ कराना चाहें करा सकते हैं। तो ये जो नाम वाला ये पूरा जो बनाना है, तो ये क्या कितने का बनेगा? नाम वाला विदाउट लाइट 500 का है, विद लाइट 600 का है। 500 वाला ये है। अच्छा, इसे विदाउट लाइट है। अच्छा, तो 600। अच्छा, ठीक है ठीक है। और कुछ और भी आप अपनी स्पेशलिटी कुछ बता रही थी, कुछ आपकी लाइफ की जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे नाम से ये नेशनल रिकॉर्ड है फॉर मेकिंग स्मॉलेस्ट पेपर बोट। भाई ये देखो, और द साइज इज 3 mm। ओहो, तो ये आपने कब किया था? ये मेरे को 2018 में नेशनल रिकॉर्ड मिला था। ओके। और 2021 में HSSC का जो सिविल एग्जामिनेशन होता है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें इसके नाम से क्वेश्चन भी आया है मेरे नाम पे कि मेड द स्मॉलेस्ट पेपर बोट इन हरियाणा। अच्छा।
तो भाई देखो, घूमने फिरने का ये नतीजा होता है, कभी कभी क्या है ना, बड़ी बड़ी शख्सियत से मिलना हो जाता है। अच्छा, सारी चीज़ें छोड़ते हैं, साक्षी एक चीज़ बताओ मेरे को, किसी को अगर कॉन्टेक्ट करना है, आपका आर्ट बहुत प्यारा है, किसी को अप्रोच करनी है इसको कमर्शलाइजेशन के लिए, या किसी को पर्सनली किसी को गिफ्ट करना है अपने लिए चाहिए, वो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा आपको? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9034924616, और आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल ये रहा, सांझी आर्ट। अच्छा, सांझी आर्ट, SANJHIART। थोड़ा सा मैं पास से दिखा देता हूँ भैया, इनकी जो इंस्टा आईडी है वो हैंडल है इस तरीके से है, तो आप वहाँ पे भी जा करके काफ़ी सारे आप डिज़ाइन वगैरह पोस्ट करते होंगी ऑफ कोर्स। अच्छा, तो भाई ये देखो इनका जो बिज़नेस कार्ड है, ये मैं पूरा कैप्चर कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है सांझी जी, थैंक यू। भाई देखो, यहाँ पे क्या है ना कि पूरे एग्जीबिशन में है ना, आपको जो थोड़ी सी जो यूनिक आर्ट है या यूनिक चीज़ें हैं ना, वो इस तरीके से अलग से डिस्प्ले करी हुई हैं, कहीं कहीं पे आप सब जगह जा कर के देख सकते हो। और यहाँ पे ये पूरा, ये कुछ चार पांच यहाँ पे कुछ पिक्चर्स या इमेजेस हैं, आर्ट है, ठीक है ना। और ये तमिलनाडु स्टेट का है, तो इसकी मैं कॉस्ट बता देता हूँ आपको, इसकी 4 लाख रुपये की कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है इसकी है 8,20,000 रुपये है। और ये मुर्गन स्वामी हो गए, इनके दोनों बीवियाँ हैं, इनका प्राइस नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे ये है तुम्हारा 3.5 लाख रुपए की है, और ये वाली है 4,20,000। भाई ये पूरा फूड कोर्ट एरिया है, बाहर है, और काफ़ी सुंदर सा है, अच्छा सा म्यूज़िक भी चल रहा है, और यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। और प्राइसिंग की बात बताऊँ ना, तो भाई ट्रेड फेयर के कंपैरिजन में बहुत रीजनेबल प्राइस में, ये देखो ये है, ठीक है। वहाँ पे मोट कचोरी 50 रुपये में, तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में आपको खाना पीना यहाँ मिल जाएगा, और काफ़ी ठीक ठाक है। इधर ये आपको ट्विस्टर वगैरह चाहिए तो 100 रुपये से 120 रुपये से, और मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है, रंगा रंगा है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो कि चल रहा है, और कोशिश की है मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई वीडियो में कोई कमी दिखती है, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो क्या है कि अगली वीडियो में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप अभी तक नहीं आए हो ना, तो भाई आप यहाँ पे आओ, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। आप इसको, मैं बार बार वीडियो में पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ट्रेड फेयर नहीं है ये, और इसको क्या है कि अपने ही देश के जो आदिवासी जनजाति हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनको जो सपोर्ट करने के लिए है। और चीज़ें भी यहाँ पे बहुत रीज़नेबल, ट्रेड फेयर के कंपैरिजन में बहुत रीज़नेबल और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें मेरे को देखने को मिली है। वीडियो में भी मैंने आपको दिखाई है, इवन टेक्नोलॉजी से लेकर के होम डेकोर, क्लोथ, फैब्रिक, मतलब सारी चीज़ें हैं यार। तो भैया आओ, ठीक है ना, और 10 तारीख तक तो चल ही रहा है, तो बाकी की क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे क्लोज, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा था, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपका भी मन करे तो आप भी घूमो वीडियो देख करके। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज, टाटा बाय बाय।